नमस्कार, मैं हूं संजय। आज हमारे साथ है नवनीत। नवनीत का मतलब होता है मक्खन। नवनीत की मासूमियत भी मक्खन की जैसी है। इनके बारे में हम बता रहे हैं, ये है गोपालगंज जिले में आर्ट साइड में इंटर का जो एग्ज़ाम का भी रिजल्ट आया उसमें तीसरा स्थान पाए हैं और पूरे बिहार में 36 रैंक इनका है, 36 रैंक, और गोपालगंज में आर्ट साइड में ये तीसरे टॉपर हैं। तो अभी रिजल्ट आया, हम इनसे बातचीत करेंगे कि इन्होंने हथुआ के एक छोटे से गांव में रह करके, एक पिछड़ा इलाका कहिए, और वहां से रह करके इतनी शानदार प्रदर्शन किए पढ़ाई में और अव्वल आए। तो इनके इतने प्रतिभाशाली छात्र हमारे यहां हैं, तो इन्होंने कैसे तैयारी की ताकि दूसरे बच्चे भी जान करके प्रेरणा ले करके वो भी ऐसी ही तैयारी करें और अच्छे अंकों से पास हों। 91.2 आपसे ऊपर कितने परसेंट वाले लड़के थे? लगभग 35 बच्चे थे। ठीक है, आज जिले में कितना रैंक है? लगभग कंफर्म नहीं, लेकिन हमसे पहले जो टॉपर था उनको बुलाया गया था डीएम ऑफिस में। अच्छा, तो फर्स्ट सेकंड वाले को बुलाया गया था। हाँ। अच्छा, आपका घर कहाँ है? रतनचक हथुआ में। हाँ। और हम इस हिसाब से हथुआ में हमें लग रहा है कि सबसे अव्वल नंबर से पास होने वाले नवनीत हैं। तो नवनीत, आप ये पहले बताइए हमें, ताकि दूसरे बच्चे भी जाने कि आपने ऐसे कौन से तरीके से पढ़ाई किया कि आपका जो है इतना नंबर आया। हमने इंटरमीडिएट के परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे बड़े दो वेपन का प्रयोग किया, पहला तो सेल्फ स्टडी और सेकंड ग्रुप डिस्कशन। इसके अलावा हमने ट्यूशन भी ज्वाइन किया था केवल इंग्लिश के लिए। अच्छा। और यही था हम लोग। अच्छा, इसके अलावा आप बाकी सब्जेक्ट का जो था, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, और क्या सब्जेक्ट था आपका? और इकोनॉमिक्स था। इकोनॉमिक्स था, इस पर कैसे तैयारी किया? और बाकी खुद से। हाँ। और इसके अलावा ऑनलाइन सोर्स से, इसके द्वारा हम लोग तैयारी। अच्छा, दसवीं में आपके कितने नंबर थे? 443। 443 कितने परसेंट था? 88%। और इस समय हो गया आपका 91%, मतलब दसवीं से ऊपर आया आपका। 80 कितना था? 88% लगभग। 88% 88% नंबर था आपका दसवीं में, तो आपने आर्ट साइड क्यों लिया? पहले तो यहाँ पे लोगों का एक मानसिकता है कि आर्ट्स जो लेते हैं कमजोर बच्चे लेते हैं। हाँ। यहाँ से मानसिकता से सबसे पहले उभरना जरूरी है। और हमने आर्ट्स इसलिए लिया ताकि मेरी रुचि थी उसमें, और इसके अलावा कि हम लोग सिविल सर्विस की ओर हमारी रुझान थी, इस कारण से हम लोग आर्ट्स लिए। अच्छा, एक चीज़ है कि इन्होंने जैसे नवनीत बता रहे हैं कि ऐसे लोगों की मानसिकता है हमारे यहाँ कि जो बच्चे आर्ट्स पढ़ते हैं वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड नहीं रहते हैं, तो इन्होंने क्या किया कि इनकी रुचि होने के कारण आर्ट्स लिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। कई बार माता पिता बच्चों पे थोप देते हैं, उनकी रुचि साइंस पढ़ने की नहीं होती है तो भी कहते नहीं साइंस ही पढ़ो, और इनको जैसे ये बता रहे हैं कि सिविल सेवाओं में जाना था इसके लिए आर्ट्स लिया। अच्छा, एक बात बताइए कि क्या आपको मालूम है कि साइंस पढ़ के भी सिविल सेवा में जाया जा सकता? आसानी से जा सकते हैं। हाँ, तो फिर आपने आर्ट्स क्यों लिया? मतलब इसमें स्पेशली रुचि के कारण? रुचि के कारण। ठीक है, तो आगे इसका मतलब ये हुआ कि आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, जिस तरह से बातचीत है। ठीक है, तो अब आप 12वीं के बाद क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे पढ़ाई के लिए? यहीं एडमिशन लेंगे या कहीं और जाएंगे? यहाँ पर नहीं। कहाँ पे? यूपी या दिल्ली। यूपी में तो पूरा बड़ा दायरा है, कहाँ जाना चाहेंगे? बीएचयू या एयू। और दिल्ली में, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू या दिल्ली यूनिवर्सिटी। अच्छा, ठीक है। अब वहाँ पे आप क्या सब्जेक्ट कुछ तो तय किए होंगे? ग्रेजुएशन लेवल पे क्या होता है कि सब्जेक्ट कस्टमाइज हो जाता है। अभी 5 सब्जेक्ट था, अब वहाँ पे क्या पढ़ाई करेंगे, किस सब्जेक्ट में स्पेशलिटी? हिंदी लिटरेचर में क्यों करना चाहते हैं? रुझान है उसमें अधिक। अच्छा, रुझान है। पूरे देश दुनिया में आज के समय अंग्रेजी का जो है पूरा बोलबाला चल रहा है, वहाँ पे नवनीत हिंदी पढ़ना चाहते हैं। और आपको एक बात हम लोग बता दें, तथ्यात्मक जानकारी है अपने बच्चों को भी, कि कोई बच्चा अगर हिंदी में ही पढ़ना चाह रहा है तो उसको भी रोजगार की असीम संभावनाएँ हैं। इसलिए संभावनाएँ रोजगार की कि ऐसे कई सारे पद हैं जो स्पेशली हिंदी पढ़े हुए, हिंदी के स्पेशलिस्ट बच्चों को ही सिलेक्शन होता है। उसके बहुत सारे पद हैं, उसके फिर कभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो नवनीत, आपके हिंदी में ऑनर्स करना चाह रहे हैं, हिंदी लिटरेचर में, तो हिंदी लिटरेचर में आपके नंबर कितने थे? मतलब 87। और ये नंबर आपके दूसरे सब्जेक्ट की तुलना में ज़्यादा थे या कम है? कम है। तो बाकी सेट में कितने नंबर थे? एक इकोनॉमिक्स में इससे भी कम थे। अच्छा, इकोनॉमिक्स में इससे भी कम थे। इंग्लिश में 96। अच्छा, और हिस्ट्री 96 और पॉलिटिकल साइंस में 93 और इकोनॉमिक्स में कितना? हिस्ट्री में 96 है। और पॉलिटिकल साइंस में 93। तो आपका 96 इंग्लिश में भी रहा है? जी, इंग्लिश में 96 जी, और हिंदी में उससे भी कम जी, 10% लगभग कम है नंबर। उसके बाद भी आप इंग्लिश ना पढ़ करके हिंदी पढ़ना चाह रहे हैं जी, तो वो तो मार्क्स के हिसाब से लग रहा है कि हिंदी आपकी कमज़ोर है, तो उसमें स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं उस सब्जेक्ट में करना चाहिए जिसमें नंबर ज़्यादा हैं?
आप उस सब्जेक्ट पे क्यों नहीं पढ़ना चाहते जिसमें नंबर आपके ज़्यादा हैं? नहीं, पहली बात तो कि ए पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। कि आपका किसी भी बच्चा का जो टैलेंट है वो नंबर डिसाइड नहीं करते हैं। बहुत से ऐसे जो जैसे कि 17 को रिजल्ट आया था, 16 को उस दिन हम अभी मेरी दीदी है तैयारी करी UPSC की, उनके पास कॉल किए तो हम बहुत खुश थे। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि बाबू बहुत खुश मत हो क्योंकि रिजल्ट के बाद टॉपर विलुप्त हो जाते हैं। हाँ, रिजल्ट के बाद टॉपर विलुप्त हो जाते हैं, तो मतलब आपको पहले ही चेतावनी दे देगी, ज़्यादा मतलब उड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने उन्हीं के कहने पर तय किया क्या हिंदी में पढ़ने के लिए? नहीं, हम पहले से ही तय कर चुके हैं। पहले से तय कर चुके हैं, ठीक है। हिंदी में कोई ऐसा साहित्यकार है या कोई ऐसा राइटर है जिसको आप पसंद करते हैं? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को क्यों पसंद करते हैं? उनकी जो जो काव्य धाराएं हैं, कविताएं हैं, कहानियां हैं, बहुत अधिक उससे प्रभावित हैं। देखिए, ये तो मतलब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आप लोगों को हम बता दें कि ये नवनीत जो है हिंदी साहित्य में आगे की उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं, टॉपर के उसमें शुमार रहे हैं। और ये अभी आप सोचिए कि 12वीं क्लास में जयशंकर प्रसाद की कविताओं को, जयशंकर प्रसाद के साहित्य को ये पसंद करते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है कि जयशंकर प्रसाद की लेखनी को समझना। मतलब बहुत ही हिंदी साहित्य में मतलब छायावाद के जो प्रवर्तक लोग थे उसमें से प्रसाद जी थे, और उनके चीज़ों को ये 12वीं लेवल पे पढ़ रहे हैं। तो जयशंकर प्रसाद की कोई रचना आपको याद है? तितली इरावती, बहुत से। अच्छा, तितली इरावती, ये तो उपन्यास है तितली। हाँ, तितली उपन्यास है, इरावती भी उपन्यास। अच्छा, धरना है। हाँ, महाराणा का महत्व भी। अच्छा, बहुत सी इनके कविताएं हैं, काव्य संग्रह। काव्य संग्रह को याद है? काव्य संग्रह मुकुल, मुकुल नहीं, मुकुल इनका नहीं है, कमायनी। कमायनी, कमायनी सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्य। कोई उसकी पंक्ति याद है आपको? जी, आप दो लाइन सुनाइए उनकी कोई पंक्ति। तुमुल कोलाहल कला मैं हृदय की बात रे मन, बिकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल, चेतना तकसी रही तब मैं मलय की बात रे मन। जहाँ मरु ज्वाला धधकती चात की, कनको तरसती उन्हीं जीवन घाटियों की, मैं सरस बरसात रे मन। वाह वाह वाह। आप बिहार से बाहर जाके पढ़ना चाहते जी? हैं जी। बिहार में अपनी पढ़ाई क्यों नहीं पूरी करना चाहते हैं? ग्रेजुएशन के लिए यहाँ लगभग 5 से 6 साल लग जाते हैं, यहाँ का सेशन बहुत लेट। अब देखिए, ये कितना दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ के बच्चे टॉपर आ रहे हैं लेकिन उनको उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, और यहाँ पर उनकी पढ़ाई की सुचारू व्यवस्था नहीं है क्योंकि ग्रेजुएशन में लेट चला जा रहा है। वैसे भी हमारे यहाँ कहावत है कि किसी से मतलब अपना करियर ख़राब करना है तो JPU में एडमिशन ले लो। अभी भी यहाँ का सत्र लेट चल रहा है। तो ये बात बताइए कि आपको यहाँ पर माहौल नहीं लग रहा कि मिल जाएगा? बहुत से लड़के यहाँ भी रह करके कुछ तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपने 12वीं का तो अच्छा रिजल्ट लाया, यहीं पढ़ रहा कि पढ़ाई की है ना, लेकिन हायर एजुकेशन में क्यों बाहर जाना चाहते हैं? इन्वायरमेंट जरूरी है। एग्जाम का लेवल एक इंटरमीडिएट होता है, एक UPSC होता है, दोनों का लेवल अलग है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे वैसा माहौल नहीं है, ये बहुत शानदार बात है। तो आपको किसी ने अभी टोका कि नहीं कि तुम हिंदी पढ़ना चाह रहे हो, कौन से बेकार सब्जेक्ट चुन लिया? ना, ऐसी कोई बात नहीं, हमको ऐसी कोई बात नहीं है ना। चलिए, बहुत बढ़िया है। और इन्होंने हमें कामायनी का जो है दो पंक्तियाँ भी सुनाई, बहुत शानदार। मतलब हमें तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि हथुआ में ऐसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं जो जयशंकर प्रसाद को 12वीं क्लास में पढ़े हुए हैं, और इतनी महत्वपूर्ण रचना की पंक्तियाँ भी याद है। वैसे एक बार टेस्ट में एक लड़के ने हमसे शर्त लगा लिया था कि हमको ऐसी फंकी संकी, हम जॉली मूड में रहते थे, तो उसने शर्त लगा लिया कि तुम जयशंकर प्रसाद की ना कामायनी की दो पंक्ति सुना दो तो हम तुमको जो कहोगे वो शर्त लगा लिया। लेकिन संजोग ऐसा रहा कि हमने कहा कि तुम मुझे शर्त मत लगाओ, हार जाओगे। उसने मना ही नहीं, उसको लगा कि ऐसे हमको मतलब कह रहा है आता तो होगा नहीं, लेकिन संजोग ऐसा रहा कि हमने उसको सुना दिया। हिमगिरी के उतुंग शिखर पे बैठ शिला के शीतल छा, एक सन्यासी भींगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ऊपर हिम था नीचे तरल, एक सघन क्या ऊपर हिम नीचे तरल, एक सघन था एक तरल। खैर, मैं तो पंक्ति भूल गया हूँ, इसे जड़ कहो या चेतन, बहुत शानदार थी। और आपको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि एक बार मैं UPSC संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित एक स्पेशलिस्ट एग्जाम था, एक अफसर ग्रेड का, मैं जब उसमें गया था तो उसमें हमसे भी उन्होंने संजोग से ऐसे पूछ लिया कि अच्छा किसी रचना का नाम बताइए, हमने कहा कामायनी, बोला कामायनी की पंक्ति सुनाइए, तो हमने सुना दिया। तो बड़ा अच्छा लगा। खैर, वो एग्ज़ाम हम क्रैक नहीं कर पाए, इंटरव्यू पूरा कंप्लीट, हमारा रिजल्ट नहीं आया, लेकिन हमको बड़ा अच्छा लगा था। खैर, आपने भी सुनाया तो हमें अपने पुराने दिन याद आ गए। नवनीत, एक बात और बताइए कि आप सिविल सेवा में क्यों जाना चाहते हैं? सिस्टम को चेंज करने के लिए। सिस्टम को चेंज करें, तो सिस्टम में क्या खामियाँ आपको दिखती है? शुरू से हम लोग एक बात पढ़ाई हुई है कि इफ़ यू डोंट लाइक अ रूल, If you don't like a rule, follow the rule and go on top and change the rule. Change the rule. So, comment नहीं कर सकते अभी। अच्छा, comment नहीं कर, मतलब अगर आप कोई रूल पसंद नहीं करते हैं तो फिलहाल आप उस रूल को फॉलो करिए, और जब उसके शिखर पे पहुंचिए तो फिर उस रूल को
बदल दीजिए, मतलब सत्ता के शीर्ष पे पहुंचिए तो उस रूल को बदल दीजिए। तो बहुत ही शानदार बात नवनीत ने कही। और नवनीत के साथ एक और फैक्ट हम बता रहे हैं आपको कि नवनीत अभी एग्जाम आने से पहले इन्होंने स्क्रीनिंग टेस्ट में भी गए थे। बिहार सरकार जब रिजल्ट घोषित करती है तो उसके पहले जो टॉप 50-100 बच्चे जो रहते हैं उनको पहले बुला के टेस्ट लेती है कि इनके कॉपी में कोई गड़बड़ी तो या कोई नकल तो नहीं हुआ है, ताकि स्क्रीनिंग हो जाए, रिजल्ट आने के बाद कोई बवेला न खड़ा हो। तो उसके लिए टेस्ट में गए थे, लेकिन इस दौरान रिजल्ट आने के समय से या पहले से ट्यूशन भी पढ़ा रहे थे सिवान में बच्चों को। और मज़ेदार बात यह है कि इन्होंने हिंदी पढ़ाया। तो आप कब पढ़ा रहे थे ट्यूशन? ये 2 दिसंबर से मेरा क्लास शुरू, 2 दिसंबर से क्लास शुरू हुआ और इन्होंने मार्च तक एग्ज़ाम दिया, फरवरी तक एग्ज़ाम दिया। और यहाँ बात करने से पहले इन्होंने बताया कि उन बच्चों का रिजल्ट कैसे रहे, ये बताइए जरा। उन बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। अच्छा, उन लड़कों का रिजल्ट अच्छा रहा। आपसे ज़्यादा नंबर लाए या कम नंबर लाए? और सब्जेक्ट में नहीं, लेकिन हिंदी साहित्य में हमसे अधिक लाए। अच्छा, मतलब हिंदी साहित्य में, मतलब इसमें हम लोग कह सकते हैं कि गुरु गुरु रह गया, चेला चीनी हो गया। मतलब इनके पढ़ाए हुए बच्चे जो है 90 एबव नंबर लाए, 90 से नीचे इनका हिंदी में रह गया। खैर कोई बात नहीं, ऐसा होता है। और आपने हमसे बातचीत की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको उज्ज्वल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। आप बिहार से बाहर जाके पढ़ना चाहते जी हैं। बिहार में अपनी पढ़ाई क्यों नहीं पूरी करना चाहते हैं? ग्रेजुएशन के लिए यहाँ आप लगभग 5 से 6 साल लग जाते हैं, यहाँ का सेशन बहुत लेट। अब देखिए ये कितना दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ के बच्चे टॉपर आ रहे हैं लेकिन उनको उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ रहा है और यहाँ पर उनकी पढ़ाई की सुचारू व्यवस्था नहीं है क्योंकि ग्रेजुएशन में लेट चला जा रहा है। वैसे भी हमारे यहाँ कहावत है कि किसी से मतलब अपना करियर ख़राब करना है तो JPU में एडमिशन ले लो। अभी भी यहाँ का सत्र लेट चल रहा है। तो एक बात बताइए कि आपको यहाँ पर माहौल नहीं लग रहा कि मिल जाएगा? बहुत से लड़के यहाँ भी रह करके कुछ तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपने 12वीं का तो अच्छा रिजल्ट लाया, यहीं पढ़ रहा कि पढ़ाई की है ना, लेकिन हायर एजुकेशन में क्यों बाहर जाना चाहते हैं? इन्वायरमेंट जरूरी है। एग्जाम का लेवल एक इंटरमीडिएट होता है, एक UPSC होता है, दोनों का लेवल अलग है। अच्छा, यहाँ पे वैसा माहौल नहीं है। ये भी बहुत शानदार बात है।